Welcome back to my channel. वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप. आज कुछ नया ट्राई कर रही हूँ. तो मैंने बहुत देखा था कि जो सेलिब्रिटी है वो आईज डाल के, बाउल में आईज डाल के और फिर थेरेपी लेते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी. तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करती हूँ वो चीज़. वो एक नई चीज़ है, प्लस मेरे को अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो आपको बताना है, जो मैंने चेंज किया है, नए प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हैं. तो सबसे पहले अभी सुबह ही हुई है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब मैं तो नहाया वहाया अभी नहीं है, ऐसे ही हूँ. तो अब सबसे पहले थेरेपी जो है वो लेंगे, अपनी वो वाली सेलिब्रिटी थेरेपी. पता है ना दीपक, क्या सेलिब्रिटी थेरेपी? सेलिब्रिटी थेरेपी इज एक बाउल में पूरा आइस जो है वो डाल देते हैं और कितने कम से कम कुछ सेकंड्स तक मुंह जो है उसके अंदर रखते हैं. जितने भी ये आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, ये सारे लोग जो है वो जो सुबह सुबह वो ट्राई करते हैं. मुंह उसमें घुसाना है? हाँ, मुंह घुसाना है कुछ सेकंड के लिए. अच्छा. तो मैं स्किन केयर रूटीन आज अपना शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो ट्राई करते हैं. वो न्यू है और लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करता है. चलो देखते हैं. सबसे पहले तो एक बाउल है हमारे पास, बड़ा बाउल, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं. हमें बाउल जो है वो मिल गया है और अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा आइस. तो जस्ट वेट एंड वॉच. आते हुए मुझे दीपक की हेल्प लेनी पड़ी. हाथ में इतना ठंडा लग रहा है, मुंह पे पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं. तुम भी करना दीपक. हट, मेरे बस की नहीं है, बस इतना बहुत है. ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं खतरों के खिलाड़ी में हूँ और मुझसे कोई टास्क कराया जा रहा है. बहुत डर लग रहा है क्योंकि बहुत ठंडा हो गया है. चलो करते हैं. कुछ सेकंड तक के लिए अंदर मुंह रखना है. देखती हूँ मैं कितने सेकंड तक रख पाती हूँ. चलो, रेडी, 1, 2, 3. वाओ, दम घुट गया. दम तो घुट गया पर बहुत अच्छा लग रहा है. तो लग रहा है सही में फेस पे कोई थेरेपी हो गई है. हाँ, एक और बार करते हैं. ये ऐसा करने में बहुत मजा आया तो फिर से करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सही. 1, 2, 3. इस बार ज्यादा स्टे नहीं कर पाई पर बेसिकली ये इसलिए होता है जैसे आपका पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और जैसे अगर कोई भी स्वेलिंग वगैरह हो फेस पे वो सही हो जाती है. तो इट्स अ वेरी गुड थेरेपी एंड ऐसा फील भी हो रहा है जैसे बहुत बहुत ही अच्छा. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. मैंने किया, मुझे बहुत मज़ा आया. चलो मैं वीडियो नहीं लूँगी पर दीपक को भी ये ट्राई कराते हो. इतना बर्फ थोड़ी ना वेस्ट करना है. ये करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है. सच में लग रहा है कि कुछ तो मतलब अच्छा सा हुआ है फेस के ऊपर. अब बाकी का जो रूटीन है वो मैं आपको दिखाती हूँ. और मैंने दीपक से भी ट्राई कराया है तो हमारा व्लॉगिंग चैनल है, उसमें देखना दीपक का कैसा रिएक्शन था. जब तक मैं अपने प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ और आपको बताती हूँ. हमारी आइस थेरेपी जो है वो होने के बाद अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने नई एडिशन किया है बिकॉज ऑफ स्किन हाइड्रेशन और स्किन अच्छी लुक लगे उस वजह से. तो आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ, उसी के कुछ एडिशन हैं. तो ये है एक रिलीफ क्रीम मिस्ट, तो जिसको मैं जैसे नॉर्मली फेस वॉश करती हूँ सुबह, आज मैंने ये जो है आइस थेरेपी ली. उसके बाद वो ऐसे छिड़क के और बिल्कुल फेस पे जो है वो कर देती हूँ. तो देखो ये कितना अच्छा जो है आपको एक नेचुरल और हाइड्रेटेड जो है वो फील देता है विदाउट कुछ मेकअप या कुछ भी करे हुए. सो दिस इज़ द अदर वन इज़ दिस प्रोडक्ट जो कि एक क्लिंजिंग कामिंग फोम है. तो बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट है आज तो, क्योंकि मैंने जो है किसी भी फेस वॉश या किसी भी उससे फोम से जो है फेस वॉश नहीं किया बिकॉज मैंने ये जो है थेरेपी ली थी. बट नॉर्मली जैसे ऑफिस जाना होता है तो मैं ये फेस वॉश जो है यूज़ कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा माइल्ड है तो आपके स्किन को हार्म नहीं करता है, वो सबसे अच्छी बात है. तो और देखने में भी बहुत सुंदर है. तो ये द थर्ड प्रोडक्ट इज सूदिंग सीरम. सीरम जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है ये स्किन के लिए सही रहता है. तो आई जस्ट टेक दिस
एंड सी, मतलब पहले आपने जो है वो यही यूज़ किया हाइड्रेटेड, जो कि आपकी स्किन को और हाइड्रेट कर रहा है। उसके बाद जो है वो आपने सूथिंग सिरम जो है वो यूज़ किया, तो आपका जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हाइड्रेटेड फील करती है। इसके अलावा एक टोनर भी है जो मैं आज यूज़ नहीं कर रही, बट टाइम टू टाइम जब मैं जो सिरम है वो यूज़ नहीं करती तब मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ। ये पर्टिकुलर जो है इसके अंदर है टी ट्री, और ये किस लिए आपको हेल्प करता है, जैसे आपके पोर्स हैं बहुत ज़्यादा है ना, जो पोर्स वगैरह हैं उसको मिनिमाइज करता है। तो अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप कोई प्रोडक्ट सोच रहे हो कौन सा लें, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ, हाउ इट लुक्स। सो इफ यू सी, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अभी मैंने नहीं लगाया है, बट जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो इस क्लिंजिंग बाम जो है उससे अपना फेस जो है ये ऑयल जैसा है वो क्लिंज करती हूँ। इसमें पपाया है, पपाया एक्सट्रैक्ट, उसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपके फेस में यू आर डूइंग समथिंग हार्श, सम केमिकल्स और समथिंग। और इसके साथ ये बहुत ही प्यारा ये आता है, बहुत वैक्स टाइप का है, देखो वैक्स टाइप का है, यू जस्ट टेक इट एंड आप वॉश कर सकते हो। एक और प्रोडक्ट, अभी हमें क्या है थोड़ा बाहर जाना है कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो अभी जैसे हमने अपना स्किन को जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया, सब कर दिया, बट स्टिल जब आप बाहर जाते हो तो यू हैव टू पुट सम सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो आपकी जो स्किन है वो हार्म करती है बाहर जाने से। तो ये है एक और प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा है, तो देखने में बहुत सुंदर है जैसा कि आपको लग रहा है देख के। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ। तो इट्स ऑल्सो कम्स लाइक दिस, सो इट्स अ सनस्क्रीन 50++++ जो है इसका वो है। एंड यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन अगर आपने यूज़ करी होगी तो आपने देखा होगा वो आपकी स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा वैसा दिखाने लगती है, अजीब सा, कुछ ड्राई होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा वैसी होती हैं, ऑयली होती हैं, पर ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे स्किन टाइप के लिए। मेरी स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, और ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया ऐसा आता है, इट्स लाइक दैट, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है। एंड आई एम रेडी टू गो आउट, मतलब अभी मैं जो है थोड़ा सा बस लिप लाइनर जो है वो यूज़ करूँगी, चलो कर ही लेती हूँ आप लोगों के सामने। तो जस्ट डन दिस, और फिर हेयर ओपन कर लेते हैं हम, और रेडी हैं बाहर जाने के लिए। ना हमने अपनी स्किन पे जो है कुछ हार्श चीज़ यूज़ करी, सब नेचुरल चीज़ें यूज़ करी हैं, ना ज़्यादा केमिकल यूज़ करे हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई किया है जिससे आपकी जो स्किन है वो ख़राब हो। बहुत ही नॉर्मल जो है स्किन केयर रूटीन है मेरा। और अगर आपको इसके प्रोडक्ट्स जानना चाहते हो कहाँ से लिए हैं, तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिलेगी। इफ़ यू विल यूज़ माय लिंक, या फिर मेरा जो कूपन कोड है इंडियन गर्ल 20, वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। बहुत ही, आप कुछ प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करो, जैसे अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा हैं तो यूज़ दिस, है ना। और अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है बिकॉज ऑफ हार्श वेदर एंड ऑल, तो आप ये जो है सुबह जैसे ही मूड हो उसके बाद जो है यू कैन अप्लाई दिस। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आज अप्लाई नहीं किया बिकॉज मुझे बाहर जाना है, और अगर आप सन में जाते हो तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये है विटामिन सी। विटामिन सी काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मैंने एक ट्यूटोरियल पहले भी दिया है। तो ये नॉर्मली जैसे मैं अगर घर में ही रहती हूँ, सन में नहीं जाना होता, तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। बाकी आप बताओ हाउ इट इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग एंड नो मेकअप।
तो ये है आज का लुक हमारा, और जाते हैं और आज शॉपिंग करते हैं ऐसे ही, आज अपनी स्किन को अच्छा फील करने देते हैं। आखिर हमने सेलिब्रिटी स्टाइल की जो है वो थेरेपी यूज़ करी है। और हाँ, मैं जानना चाहती हूँ आपने कभी ये थेरेपी यूज़ करी है या नहीं, या ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, कभी यूज़ करे हैं या नहीं, ज़रूर बताना। और आप अपना जो डेली रूटीन है, स्किन केयर रूटीन, उसमें आप कोई भी सीरम या मॉइस्चराइज़र या ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या नहीं, जो आपका फेस वॉश है वो कैसा है, कामिंग है या फिर हार्श है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करना। जस्ट मैं जानना चाहती हूँ आप कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली आज बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू था मेरे सारे प्रोडक्ट्स का। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद एडिशनल डिस्काउंट। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर इट ऑनलाइन आप कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आ जाता है, 7 से 8 दिन में आ जाता है जैसे ही आप ऑर्डर करोगे। और अपनी स्किन को अच्छा रखो, हेल्दी फील कराओ उसे, एटलीस्ट सैटरडे के सैटरडे तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूटीन फॉलो कर सकते हो। जैसे आज सैटरडे है, मैंने फॉलो किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या देखना चाहते हो, वेदर यू वॉन्ट टू सी माई मेकअप रूटीन ऑल्सो, जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि मेकअप में भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ नहीं करती। आई टेक केयर कि यार स्किन जो है वो सही रहे, रेदर देन कुछ भी यूज़ करने से। तो अगर वो देखना चाहते हो तो कमेंट करना, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो जल्दी हम लोग मिलते हैं उस वीडियो के साथ। एंड बाय बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम। बहुत जल्दी न्यू वीडियो आने वाला है। ब्लॉगिंग चैनल हमारा है दीपक और मैं, बहुत उसमें मस्ती करते हैं, वो ज़रूर 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 जाके देखो, सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा। और मैंने दीपक को भी ये थेरेपी दिलाई है तो बहुत मज़ा आएगा आपको वो देखने में। जस्ट चेक इट आउट एंड बाय गाइस, बहुत ज़्यादा बोल लिया, बाय।